कल एक्चुअली बहुत रात हो गया घर पहुंचते पहुंचते, तो कम से कम 12 बजे मैंने सोया। और सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब मैं उठा और उठ के मैं एक राइड पे निकला, और थोड़ा सर भी दर्द कर रहा है, और एक्चुअली रात को अच्छी तरह से नींद भी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी आई एम ऑल गुड। मैं कहाँ पे हूँ अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, तो चलिए एक बार एक झलक आप देख लीजिए। यस गाइस, आई एम इन मेघालय, और मैं आज आपको ऐसी जगह में लेके जाऊंगा जो शायद बहुत पॉपुलरिटी ऑलरेडी है, और जिसको जिसको भी इसके बारे में नहीं पता है मैं डेफिनेटली पसंद आने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा जगह है और इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। सो दैट इज़ वाई मेघालय इज़ सो पॉपुलर, और मैं आज आप लोगों को उसी जगह में लेके जाऊंगा, और वो जगह का नाम है, एक मिनट, वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी आप थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कौन सी जगह है। तो एनीवेज, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए, और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। एक सेकेंड। मैं और एक आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, एक्चुअली कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था इसीलिए, और कभी कभी मैं मतलब ख़राब लगता है, यूट्यूब से कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी। बस मैं वीडियो अपलोड बहुत दिन तक नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं उस डेस्टिनेशन तक जहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहता था। तो चलिए, हियर वी गो। फाइनली हम पहुंच गया है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ेगा हमको, तो देखते हैं नीचे तक जाके फिर रिटर्न भी आना पड़ेगा। मैं आपको पूरा सराउंडिंग दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मेरा बाइक पार्क हो चुकी है, तो जो जो नीचे गया है वो ऊपर आने के लिए थोड़ा तो तकलीफ होगा ही डेफिनेटली। ऐसे होगा ट्रैकिंग स्टार्ट, और ज़्यादा दूर शायद बहुत दूर है, जाने से ही मालूम चलेगा। मैं ज़्यादा आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रखूँगा, फाइनली मैं जिस जगह में आना चाहता था ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ, और जस्ट कुछ स्टेप्स जाने के बाद मैं नीचे तक पहुँच जाऊँगा, और वो जगह का नाम है क्रांगशुरी, और ये है आपका मेघालय में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये बहुत ही पॉपुलरिटी मिल चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट जो है यहाँ पे ही आते हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये जगह में आऊँ, और फाइनली मैं आज आया। साथ में कोई रहने से तो अच्छा लगता है, मगर कोई नहीं है, आपको जैसे कि पता ही है कि आई एम अलोन सर्वाइवर। एक्चुअली मैं एक मोबाइल ब्लॉगर हूँ, मोबाइल मोटो ब्लॉगर, आप लोग ये जान लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो किया हूँ आज तक मैं अपनी मोबाइल से ही करता हूँ, एडिटिंग भी मोबाइल से ही करता हूँ, इसीलिए क्वालिटी इतना ठीक नहीं हो रहा होगा। हमको यहाँ से अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, रास्ता तो ठीक ठाक है, सिर्फ स्टोन का रोड है, मैं आपको दिखाई दिया हूँ, और बस कुछ ही स्टेप जाने के बाद अब हम नीचे पहुँच जाएंगे। मैं आपको नीचे दिखा सकूँगा कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्रांगशुरी। कितना करके भैया? 40 रुपीज। ओके, गिव मी वन पीस। थैंक यू, आई हैव टू गिव यू 40 रुपीज राइट? ओके, थैंक यू। एडल्ट 40 रुपीज एंड बाकी चिल्ड्रेन 20 रुपीज। नाउ आई
रिच क्रांगशुरी और मैं आपको सराउंडिंग दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग अभी तक नहीं आए हैं तो जल्द से जल्द आ जाइए, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या नाइट कैंप भी होता है क्या? रात रह सकता है क्या यहाँ पे? कितना करके है? कितना करके? मतलब एक टेंट का 1000 वन नाइट। बोटिंग भी कर सकते हैं 200 रुपीज़ करके पर बोट, शायद मे भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टर बोटिंग, ऐसे लिखा हुआ है 5 in all। और यहाँ पे अगर आप रात को रहना चाहते हैं रात को रह सकते हैं, टेंट भी है यहाँ पे, पर टेंट 1000 करके लेगा जो कि 2-seater का है। तो आप लोग आके यहाँ पे रात को भी रह सकते हैं। जस्ट मैं अभी नीचे जाऊँगा जो कि सबसे खूबसूरत जगह एक्चुअली में नीचे में है। नीचे से आपको जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए मैं नीचे तक लेके चलते हैं। क्रांगशुरी का नीचे तक पहुंच चुका हूं। मैं व्यू पॉइंट से आपको दिखाऊंगा यहां का नज़ारा, चलिए देख लीजिए। मेरा शूट हो गया है कंप्लीट, जस्ट एडिटिंग बाकी है। कल तक शायद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत थक चुका हूँ, आई हैव टू लीव राइट नाउ। और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अनदेखी अनजानी सी प्लेस, जानी पहचानी सी जगह। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय बाय। अभी एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, अभी भी फिलहाल मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैं नीचे देखा तो यहाँ पे नीचे पे गिरा हुआ है खाई में, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी उन लोगों को रिकवरी करने के लिए गाड़ी आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। इतना देर तो मैं नहीं रुकूंगा।